अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर भगवान यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे सवालों के जवाब दूं, तो मैं दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं जो भी जवाब दूंगी उस पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। सवाल तुम्हारे होंगे पर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे जवाब वो होंगे जो तुम सुनना चाहते हो, समझे? पूछो, जो पूछना है पूछो। क्या तुम लाइफ में सच में आगे बढ़ गई हो? मैंने तुमसे कहा कि हाँ मैं आगे। झूठ नहीं, सच सुनना है और सच बोलना है तुम्हें। शायद तुमने ढंग से सुना नहीं मैंने झुका। सवाल तुम्हारे होंगे ऋषि, लेकिन जवाब क्या होंगे वो मैं तय करूंगी, तुम नहीं। ओके, सवाल पूछना है ना? सवाल पूछता हूँ। पारो, पार्वती, पार्वती मेरी जैसी क्यों है? उसका नाम पार्वती ही क्यों रखा? तुम जिंदा थी ये बात मुझसे क्यों छुपाई? यहां तक कि तुमने शालू को हम में से किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से बात तक नहीं करने दी, क्यों? तुम ऐसे क्यों भाग गई मुझसे दूर? अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता तो मुझसे दूर क्यों भाग गई? अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा दिल, हमारी धड़कन एक है, तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग गई? अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई मायने नहीं है, तो फिर नजरें छुपाकर क्यों भाग गई मुझसे दूर? अब तुम जवाब दो मुझे, क्यों भाग गई? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग गई? तुम क्या बोल रहे हो ऋषि? तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मतलब मैं तुमसे दूर भाग गई क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, और अगर नहीं होती तो मैं नहीं भागती। ऋषि, तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों तुम मुझे इतना गुस्सा दिला देते हो इस हद तक कि मैं तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पाती? और तुम भी मुझे कोई कम गुस्सा नहीं दिला रही हो, तुम भी मुझे उतना ही गुस्सा दिला रही हो जितना मेरे लिए भी तुम्हें बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों बर्दाश्त करना चाहते हो तुम मुझे, क्यों? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है लक्ष्मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा। शायद ये चिंता, केयर, कंसर्न का जो दिखावा है ना, इसने मेरे दिल को जीत लिया। ये दिखावा है, ये दिखावा है? तो फिर मैंने इससे पहले जितनी भी बार तुम्हें बचाया, इतने बड़े बड़े खतरों से बार बार बचाया, उसका क्या? वो इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी, इसलिए बचाया। और मैंने भी तुम्हें बहुत बार बचाया, बार बार बचाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था लक्ष्मी। और ये जो चोट लगी ना मुझे, इसकी चिंता हुई तुम्हें, मुझे जो दर्द हुआ उसका असर हुआ तुम पे। और ये जो बार बार मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी, अभी भी हम दोनों के दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, एक दूसरे के लिए फील करता है। और पारो, पार्वती, पार्वती मेरी बेटी है, हमारी बेटी है पार्वती। बात खत्म यहीं पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बात खत्म नहीं हो सकती। तुम बार बार एक ही चीज बोलते रहोगे ना, तो तुम्हारा झूठ सच नहीं बदल जाएगा, तुम्हारे ख्याल सच नहीं बन जाएंगे। और अगर तुम्हें इतनी बेटी का शौक है ना, तो तुम्हारी जो पत्नी है ना मलिका, जाओ उससे कर दो। एक्चुअली ये जो चैरिटी फैशन शोज होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। ओह माय गॉड, तुम्हें महिका के आउटफिट्स देखने चाहिए थे, वो सिंपली वाओ। मोहन, और फिर उसके बाद जब वो चैरिटी ऑक्शन शुरू हुआ, ओह माय गॉड द प्रोडक्ट्स एंड द मनी, ओह माय गॉड आंचल, लोगों के पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें ओह गॉड, ये तो इसी तरफ आ रही है। हमें ना ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, एनजीओ, गरीब बच्चे, बस यही बातें होती हैं इसके पास। इतना टाइम है नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। दीदी की वजह से इन सब एनजीओस में हम पैसे डोनेट कर देते हैं, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये गरीबी हटाओ योजना, गरीबों के घर जाना, ये सब हमसे नहीं होगा। इधर ही आ रही है, तुम संभाल लेना, आप हम जा रहे हैं। देख के नहीं चल, सॉरी मैंने देखा नहीं। ओह गॉड, इट्स ऑल ओके। हाँ, ओहो, तुम्हारा आउटफिट तो खराब हो गया। चलो, लेट मी हेल्प यू, कम कम। पता नहीं लोग देख कर क्यों नहीं चलते हैं, सारे कपड़े खराब कर दिए हमारे। डोंट वरी आंचल, हम अभी जा रहे हैं ना वॉशरूम, वहां जाके क्लीन कर लेंगे। अच्छा लगा दो, फिर भी ठीक कर दो। ठीक है, क्या हो गया? कपड़े खराब हो गए हमारे। ओह नो, लेकिन कैसे?
अच्छा वो सब छोड़िए, एक काम करिए आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरे रूम में, मेरा रूम यहीं पे है ना, तो मैं ड्रायर से सुखा भी दूंगी और उसका निशान भी नहीं रहेगा। अरे नहीं मलिष्का, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। प्लीज मासिया, आई इंसिस्ट, मेरा रूम पास में है, यहीं पे है, आप चलिए ना मेरे साथ, मैं ठीक चल ऋषि और मलिष्का करूँ, इधर ही चल कम प्लीज। ठीक है चलिए, जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर निशान भी नहीं रहेगा। थैंक यू। चिल्लाओ मत और ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। सच नहीं है ये? हाँ गलत नहीं बोल रही हूँ ना मैं, यही सच है ना? तो प्लीज हमसे दूर रहो, मुझसे और मेरी बेटी से। आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना। मुझे लक्ष्मी, मुझे नहीं पसंद तो मुझसे जब इस तरह से बात करती। तुम्हारी पसंद से अब मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। बहुत किया मैंने, बहुत बहुत किया है, और बदले में मिला क्या? वो जो मुझे नहीं पसंद। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ क्या दिक्कत है? हाँ छोड़ो ऋषि। मैं दिक्कत क्या है? मैं सिर्फ प्यारा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पारो मेरी बेटी है, या फिर तुम्हें दिक्कत मलिष्का से? मुझे मलिष्का से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तुमने मलिष्का से शादी कर ली हो या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? मुझे फर्क पड़ता था जब मैं चाहती थी कि हम दोनों एक रहे, मुझे फर्क पड़ता था जब मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ रहे। अब तुम्हारे जो मन में आए करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके फाइन, समझ आ गया, मुझे समझ आ गया है, मुझे दर्द हो रहा है, समझ आ गया कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, और मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, 7 साल में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, और तुम मुझे बताओ, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो तो फिर मेरे पास आने से नर्वस क्यों जाती हो? अंदर तक हिल क्यों जाती हो जब मैं करीब आता हूँ? तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांसें तेज क्यों हो जाती है जब मैं करीब आता हूँ? क्यों? हाँ, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना दर्द, इतना गुस्सा क्यों भरा है? ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी अपने ने दिल दुखाया, इतना गुस्सा क्यों भरा है तुम्हारे अंदर? जब कोई इंसान दिल के अंदर होता है और उसने दिल दुखाया होता है तभी होता है ना ऐसा। ऋषि प्लीज मत बोलो ये सब, प्लीज प्लीज मत बोलो ये सब। सॉरी लक्ष्मी, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगा, और अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे सारा सच नहीं बता देती। मुझे सच जानना है। ऋषि प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।